कानून के तहत आपको डायरेक्शन दी जा रही हैं। वी हैव बीन स्ट्रगलिंग गेंस का मोदी गवर्नमेंट बिकॉज मोदी गवर्नमेंट पास थी एग्रीकल्चर लॉज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से दीज लॉज आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देर आर थ्री लिस्ट रिगार्डिंग द लॉ मेकिंग यूनियन लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। एग्रीकल्चर फॉल्स इन द स्टेट लिस्ट दैट्स वाई सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नो अथॉरिटी टू मेक एनी लॉ रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर। So these laws are unconstitutional and we have been demanding these laws should be repealed. हमारी मेन डिमांड है तीन सरकार ने जो कानून बनाए हैं खेती के लिए जिसके लिए बोला जा रहा है कि किसानों के फायदे के हैं ये रद्द करने के लिए हमारी डिमांड है। दूसरा जो बिजली बिल 2020 है उसको रद्द करने की बात है। प्रदूषण के मामले में पराली के ऊपर जो 1 करोड़ रुपया जुर्माना 5 साल की कैद का जो कानून बनाया उसको रद्द करने की बात है। पंजाब के किसानों ने जब इस आंदोलन की अगुवाई की है तो उन्होंने ये समझा दिया है कि कॉर्पोरेट का मतलब है अंबानी अदानी राज, खेती को कॉन्ट्रैक्ट खेती पर जो है दे करके ये कॉर्पोरेट के कब्जे में हमारे देश की जमीन को देना चाहते हैं, खेती को देना चाहते हैं। ये जो हमारा मंडी सिस्टम है उसके पैरेलल प्राइवेट मंडियां खड़ी करके ये पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो खरीद है फसलों की उसके सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं और आवश्यक वस्तु अधिनियम को ख़त्म करके ये जो PDS सिस्टम हमारे देश के अंदर है और उसको जो है ख़त्म करके ये जो अन्न है खाद्यान्न है उसको भी उपभोक्ता माल में तब्दील करना चाहते हैं। जो तीनों मुद्दे हैं ये तीनों मुद्दे हैं निजीकरण और कॉरपोरेटीकरण के खिलाफ और किसानों ने इसको बहुत सरल शब्दों में पूरे देश के आम लोगों को समझा दिया है। PDS खत्म हो जाएगी जिससे 85% लोग वक्त हो। तीसरा है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है इसमें दिया है कि वो उसके पर मकान भी सारी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट वाला लोन भी ले सकता है। अगर आपके और किसान और कंपनी के बीच कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है तो आप सिविल कोर्ट में जा नहीं सकते, आप SDM के पास जा सकते हो, SDM के पास नहीं तो आप DC के पास जा सकते हो अपील लेके, इससे ज़्यादा नहीं। तो हम भली बात जानते हैं कि अगर ऐसा हो गया हमारा डिस्प्यूट तो SDM या DC वो हमारी गरीब किसान की 4 एकड़ वाले की सुनेगा या बड़ी कंपनी जो बहुत पैसे वाली है जिसका पॉलिटिक्स में भी असर है। भारत बंद ने सरकार के उस प्रचार को खारिज कर दिया कि केवल पंजाब के किसानों का मामला है, पूरा देश उठ खड़ा हुआ, पूरे देश के गांव-गांव के किसान खड़ा हुए। फिर भी सरकार ने किसी मांग को माना नहीं। लाखों किसान सड़क पर हैं, ठंडी रातों में बिता रहे हैं, भूख में प्यास में जैसे तैसे सड़क पर सो रहे हैं, किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार संवेदनहीन बनी हुई है किसानों के प्रति और उल्टे वो रोज़ नया नया प्रोपगंडा खड़ा करते हैं किसानों के खिलाफ। कभी कहते हैं पार्टियों के पीछे से शह है, कभी कहते हैं कि पंजाब के खालिस्तानियों के शह पर चल रहा है, कभी वो माओवादी का प्रोपगंडा खड़ा करते हैं, रोज नई बात कह करके किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस लोकतंत्र की पर हमले हो रहे हैं मोदी राज के आने के बाद, लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है और जिस तरीके से एक जो है कॉरपोरेट फासीवादी सिस्टम इस देश के अंदर ला करके जो है जनता के ऊपर लादा जा रहा है उसके खिलाफ इस किसान आंदोलन ने जो है एक जबरदस्त लोकतांत्रिक आकांक्षा लोकतांत्रिक ढांचे को भी डेवलप किया है। जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद किसान की जवानी, किसान मोर्चा जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्हां दे विरोध विच किसानां दे हक दे विच अज इकट्ठे होए आ। जिंदाबाद।
किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। समुचे तौर पर किसानां दी जद्दोजहद नाल खड़ा हाँ। साडा दिल पंजाबियां लई धड़कदा है। इस घोल नूं जित के वापस आउणगीआं। साडी जरूरत पई हर महाज दे उत्ते असीं आवाज बुलंद करांगे। I call on the Indian government to roll back the undemocratic farm bills that favor corporations rather than farmers and protect the labor laws. I'm standing in solidarity with the farmer protests in India. I'm standing in solidarity with the Indian farmers. I'm Swati from Seattle, Washington. I'm from New York. I'm a student at the University of Arizona. And I stand in solidarity. Stand in solidarity. Solidarity with. I stand in solidarity with Indian farmers and laborers. Indian farmers and laborers. Indian farmers and laborers. Indian farmers and laborers. We need to end the draconian farm bills and end police violence against protesters. In solidarity with the farmers and workers currently protesting in India, we express our deep anguish and protest against the farmer reforms. ladai sirf kisanon ki nahi hai, punjab ke kisanon nahi hai, pure desh ke logon ki ladai hai, chahe jo madhyavarg hai chahe upar wala varg hai, kyunki roti हर एक आदमी ने खानी है, पेट हर आदमी ने भरना है, तो इसलिए उसकी रोटी छीनने का भी सवाल है। जिन्ना चिर ये काले कानून वापस नहीं लाए जाते ना, आ दो बिलों की गल नहीं है, सानू उन्ना चिर अभी दो साल तक नहीं जा रहे।